वफाकी वजीर तारक चीमा को कौन नहीं जानता। बहावरपुर से इनका ताल्लुक है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 4 साल वफाकी वजीर रहे और आज भी वफाकी वजीर हैं। इनके बेटे वली दाता जिंसी बहावरपुर यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल में मलूस हुए हैं। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि इन मासूम बच्चों को इंसाफ मिलेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि इनको सजा मिले तो ये भी गलत सोच रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि वजीर आजम इस पर नोटिस लेंगे या चीफ जस्टिस इसके ऊपर नोटिस लेंगे तो भी आप गलत हैं। 5500 के करीब वीडियोस इनके मोबाइल फोन से बरामद हुई हैं। जब तारक चीमा को बताया गया कि उनका बेटा आईसी और नशे का आदी है तो उन लड़कियों को अपने डेरे पे बुलाता है और उनको ब्लैकमेल करता है, आपको सियासी तौर पर भी नुकसान हो सकता है, तो इसी वक्त इनके वालिद साहब ने पुलिस सलकार को कॉल की और बोला कि मेरे बेटे को छोड़ दो और इनकी वीडियोस वगैरह डिलीट कर दो। लेकिन पुलिस सलकार ने वीडियो डिलीट नहीं की। जब आप लोग किसी के बेटियों की इज्जत लूटते हो तो तब आपको जरा भी परवाह नहीं होती और आज कह रहे हो कि हमारी वीडियो डिलीट कर दो। मैं कहती हूँ कि इन लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए और इसको गिरफ्तार करना चाहिए जिसने इन लड़कियों को ऐसे किया है। नाजरीन, आपकी क्या इस बारे में राय है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू।